हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन एम्बिशंस। ये एपिसोड 2 है हमारी लीगल न्यूज़ एंड अपडेट सीरीज़ का, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे हाल ही में आसाराम बापू को 2013 के रेप केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो सज़ा सुनाई है उस न्यूज़ को। तो गांधीनगर की सेशंस कोर्ट ने आशुमल हरपलानी, जो कि आसाराम बापू के नाम से फेमस है, उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई, यानी उम्र कैद की सज़ा, इन कनेक्शन विद 2013 रेप केस जो कि फाइल किया गया था उन्हीं के आश्रम में रहने वाली एक गर्ल के द्वारा, जो कि गांधीनगर आश्रम में रहती थी। इस सेशंस कोर्ट में जो जजमेंट दिया गया, दैट वाज गिवन बाय जज डी के सोनी। उन्होंने सारी आर्ग्यूमेंट्स को सुनी और उसके बाद आसाराम बापू को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई। इसके साथ साथ उनके ऊपर 50,000 का फाइन भी इम्पोज किया गया, दैट विल बी पेड टू द विक्टिम एज अ कॉम्पनसेशन, जो कि विक्टिम को एज कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। आसाराम बापू के साथ जो दो और उनके एसोसिएट्स थे जो कि इस केस में इन्वॉल्व थे, उन्हें भी कोर्ट ने 20-20 साल की सज़ा सुनाई। अब हम लोग बात करते हैं कि आसाराम बापू के अगेंस्ट कौन कौन से चार्जेस लगाए गए, कौन कौन से सेक्शंस उनके ऊपर इम्पोज किए गए। तो आईपीसी के सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन 342 जो कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट इम्पोज करता है। सेक्शन 376 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी जो कि बात करता है कि अगर कोई पर्सन किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर रहा है, रन कर रहा है, या वहाँ का स्टाफ है जो कि वुमेन, महिला या फिर चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन है, तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसकी कस्टडी को हैंडल कर रहा है और वहाँ पर रहने वाली किसी महिला के साथ रेप कमिट करता है, तो उसके अगेंस्ट उसको पनिशमेंट इम्पोज की जाएगी, जो कि जिस सेक्शन 376 में प्रोवाइडेड है। इसके अलावा उनके अगेंस्ट सेक्शन 377 यानी अननेचुरल सेक्स के भी चार्जेस लगाए गए। सेक्शन 354A विच टॉक्स अबाउट असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। सेक्शन 506 जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन की पनिशमेंट बताता है। सेक्शन 509 अलॉन्ग विद सेक्शन 34 जो कि बात करता है कि अगर किसी ऐसे वर्ड्स, जेस्चर या एक्ट की इंटेंट किया जाए या इस तरह के एक्ट्स परफॉर्म किए जाएं जो कि वुमेन की मोडेस्टी को इंसल्ट करता है, उसके अगेंस्ट चार्जेस बताता है। इसके अलावा सेक्शन 36 जो कि बात करता है कोई भी एक्ट जो कि कॉमन इंटेंशन के साथ सेवरल पर्संस एक साथ करते हैं। इसके आईपीसी के अलावा पॉक्सो के भी काफ़ी सेक्शंस इनके ऊपर इम्पोज किए गए, एज वेल एज सेक्शन 23 एंड 26 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अगर हम करेंटली बात करें, सो दिस 81-year-old सो कॉल्ड सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन करेंटली जोधपुर की जेल में ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा काट रहे हैं फॉर अ रेप केस, फॉर रेपिंग अ माइनर गर्ल एट हिज आश्रम, जो कि राजस्थान के आश्रम का केस है। इसके अलावा जो इस केस में इन और 5 अक्यूज इन्वॉल्व थे, उन सभी को कोर्ट ने अक्विट कर दिया, यानी उनको रिहा कर दिया, जिसमें शामिल हैं आसाराम की वाइफ लक्ष्मी हरपलानी, निर्मला बेन नलवानी, मीरा बेन कालवानी, ध्रुव बेन बलानी और जशवंती बेन चौधरी। कोर्ट ने इन 5 अक्यूज को अक्विट कर दिया, रिहा कर दिया। तो ये थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट लीगल न्यूज़ रिगार्डिंग द लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ बाबा आसाराम। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लीगल वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला वर्ड है सेशंस कोर्ट। तो सेशंस कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही कहा जाता है, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपनी ज्यूरिसडिक्शन के जो क्रिमिनल मैटर्स हैं उनको हैंडल करती है एज पर द प्रोविजंस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सेकेंड टर्म है प्रोसिक्यूशन। सो प्रोसिक्यूशन वो प्रोसेस है या वो एक्ट है जिसमें एक पर्सन के अगेंस्ट ट्रायल चलाया जाता है कि टू डिटरमाइन कि ये पर्सन गिल्टी है फॉर द जो भी इसके अगेंस्ट अक्यूजेशंस किए गए हैं, कि इसके ऊपर जो भी चार्जेस इम्पोज किए गए हैं, वेदर ही इज़ फाउंड गिल्टी और नॉट, उसका जो भी प्रोसीजर है दैट इज़ कॉल्ड प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट टर्म है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सो आईपीसी का सेक्शन 53 लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात करता है। सो लाइफ इम्प्रिजनमेंट सिंपली मीन्स दैट अनटिल डेथ जब पर्सन है वो अपनी थ्रू आउट लाइफ पूरी जिंदगी जेल में बिताएगा, यानी उम्र कैद की सज़ा। फोर्थ टर्म है अक्विटल। अक्विटल का मतलब होता है ये ऑफिशियल डिसीजन होता है कोर्ट ऑफ लॉ का, जिसमें कोर्ट डिसाइड करती है दैट अ पर्सन इज़ नॉट गिल्टी ऑफ अ पर्टिकुलर क्राइम, जो भी उसके ऊपर अक्यूजेशंस लगाए गए हैं वो सब
डिसप्रूव हो जाते हैं और वो पर्सन गिल्टी प्रूव नहीं होता है और कोर्ट उसको उस केस में से रिहा कर देता है। और लास्ट टर्म है कन्विक्शन। कन्विक्शन इज ऑपोजिट ऑफ अक्विटल। कन्विक्शन में अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट जो चार्जेस लगाए गए हैं, जो क्राइम के लिए वो गिल्टी माना गया है, वो प्रूव हो जाता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो उसको कन्विक्ट कर लिया जाता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कन्विक्शन। तो ये हो गई हमारी आज की सेकेंड एपिसोड ऑफ लीगल न्यूज़ एंड अपडेट्स। आई होप द न्यूज़ हैज़ बीन क्लियर। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, सो यू जस्ट आस्क इन द कॉमेंट बॉक्स। और ऐसे आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस वॉज इट। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।